ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मुमरा के जीवन बाग अक्सा चाल में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक का नाम जहूर 55 वर्षीय बताया जा रहा है। मृतक वॉचमैन था और नशा भी करता था। सूचना मुमरा पुलिस को दी गई जिसके बाद दरवाज़ा खोला गया। जानकारी के मुताबिक करीब इसकी मौत 2 से 3 दिन पहले हो चुकी थी। शव से बदबू भी आ रही थी। हालांकि शव के आसपास खून भी था। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए कलवा शिवाजी अस्पताल भेज दिया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर इसकी हत्या हुई है या इसकी मौत की कोई और वजह है। यूपी के इटावा के बलरई रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस के 4 यात्रियों की राजधानी की चपेट में आने से मौत हो गई जबकि आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। अवध एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से बांद्रा टर्मिनस आ रही थी, बलरई स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी की वजह से कुछ यात्री नीचे खड़े थे तभी कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। मेरठ के पुलिस थाने में किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। बधाई देने को लेकर किन्नरों के दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद किन्नर लालबत्ती पुलिस स्टेशन पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद हालात को देखते हुए पुलिस ने किन्नरों पर जमकर लाठीचार्ज किया। लखनऊ की सड़कों पर अभ्यर्थियों को पुलिस ने जमकर पीटा। 2013 में यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने मेडिकल परीक्षा भी पास कर ली थी। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई और लाठीचार्ज हो गया। मुंबई और ठाणे में दर्ज हुई प्री मानसून बारिश की महाराष्ट्र में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। नासिक और औरंगाबाद में लोगों ने पहली बारिश का मज़ा लिया और गर्मी से राहत की सांस ली। इसी तरह ठाणे के कई इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश हुई है जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।